हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर औपचारिक पत्र के अंतर्गत यानी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत निम्न प्रकार के पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पहले किसी भी समाचार पत्र के संपादक को एडिटर को लिखा हुआ पत्र, और यह पत्र समाज में किसी समस्या के विषय में, आपके मोहल्ले के किसी समस्या के विषय में, प्रदेश की समस्या के विषय में, या किसी पेपर में छपे हुए किसी लेख के विषय में आप पत्र लिखते हैं कि आप अपने समाचार पत्र में इस बात को प्रकाशित कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि संबंधित विभाग के अधिकारी इसका समाधान कर सके। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस संबंधी लेटर, व्यवसाय से संबंधित जितने पत्र व्यवहार होते हैं वह सब औपचारिक फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर कंप्लेंट लेटर्स, यानी अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखा जाता है किसी समस्या के विषय में, पानी, बिजली, सड़क या अन्य अराजक तत्वांश, इन चीजों के विषय में समस्या से अवगत कराया जाता है अधिकारियों। नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को लिखा जाता है, और साथ ही साथ प्रधानाचार्य को लिखा हुआ प्रार्थना पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। यहां पर हम बात बिजनेस लेटर्स की करते हैं, जिसमें चौथे नंबर का दिया हुआ पत्र लिखने के लिए यू आर इंचार्ज ऑफ परचेज फॉर टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, कह रहा कि आप टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के परचेज इंचार्ज हैं, खरीदारी के इंचार्ज हैं, यानी आप सामान खरीद पर करते हैं उस कंपनी के, कह रहा यू आर इंचार्ज ऑफ परचेज फॉर टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, कर पर टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के आप परचेज इंचार्ज है, खरीदारी करने के इंचार्ज है। लास्ट वीक यू मेड एन ऑर्डर, पिछले हफ्ते आपने एक ऑर्डर किया विच इज स्टिल पेंडिंग, जो ऑर्डर अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब वो ऑर्डर अभी आपके पास नहीं आया। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ टूल्स, कह रहा कि आप जो है पत्र लिखिए, राइट ए लेटर टू दी मैनेजर ऑफ टूल्स एंड स्पेयर्स, यह कंपनी है टूल्स एंड स्पेयर्स के कंपनी को पत्र लिखे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एफोर मेंशनड ऑर्डर, पूर्व में वर्णित किए गए ऑर्डर को आप कैंसिल करने के लिए, स्थगित करने के लिए पत्र लिखे। मतलब कह रहा कि आप एक कंपनी के परचेज इंचार्ज हैं, आपने कंपनी की तरफ से कुछ सामान का ऑर्डर एक कंपनी को दिया है, जैसे टूल्स एंड स्पेयर्स को दिया, अब चूंकि उस सामान की जरूरत आपको नहीं है और सामान पहुंचा भी नहीं, आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब आप एक हफ्ते बाद उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखे। सबसे पहले आप अपने कंपनी का पद और नाम लिखे, टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड अशोक नगर मेरठ, ये आपके कंपनी का नाम है टर्बो ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड अशोक नगर मेरठ। उसके बाद डेट लिखेंगे 3 मार्च 2022, 3 मार्च 2022। फिर पत्र प्राप्त करने वाले का पद लिखते हैं, दी मैनेजर टू दी मैनेजर, उसके कंपनी का नाम टूल्स एंड स्पेयर्स, कहां स्थित है दिल्ली में, और पिन कोड लिख दिया 11065। ठीक, अब सब्जेक्ट लिखते हैं संदर्भ, जिस विषय के संबंध में आप पत्र लिखने जा रहे हो, क्योंकि आप ऑर्डर कैंसिल करने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उस बात को संक्षेप में लिखेंगे। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर नंबर PS 938, कह रहा है ऑर्डर नंबर पीएस
948 को कैंसिल करने के संबंध में डेटेड 26 जनवरी 2022, 26 जनवरी 2022 को दिए गए ऑर्डर को कैंसिल करने के संबंध में। अब उसके बाद सैल्यूटेशन पद के अनुसार आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर या मैडम जो भी उसके मैनेजर हो। अब पत्र की बाटे, आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू एन ऑर्डर मेड विथ यू ऑन 26 फरवरी 2022 WRT ऑर्डर नंबर PS 948। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की तरह विथ यू, जो आपको मैंने दिया ऑन 26 फरवरी 2022, जो 26 फरवरी 2022 को मैंने एक ऑर्डर आपको दिया था, ऑर्डर नंबर PS 948, जिसका ऑर्डर नंबर PS 948 आई हियर बाय, इसलिए मैं मेक ए काइंड रिक्वेस्ट, अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं टू कैंसिल दिस ऑर्डर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। पैराग्राफ बदलो, आवर कंपनी हैड, कारण बता रहा है कि आखिर ऑर्डर कैंसिल क्यों कर रहे हैं। आवर कंपनी हैड अंडरटेकन ए प्रोजेक्ट, हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था कार्य करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए। आवर कंपनी हैड अंडरटेकन ए प्रोजेक्ट, हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया था। फॉर विच दिस ऑर्डर वाज मेड, जिसके लिए ऑर्डर किया गया था, यानी कंपनी ने, हमारी कंपनी ने एक ऑर्डर लिया था, उसमें इस सामग्री की जरूरत थी, इसलिए आपको ऑर्डर दिया गया। हाउएवर फिर भी, वी आर नो लॉन्गर डूइंग द प्रोजेक्ट, फिर भी अब हम उस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वी आर नो लॉन्गर डूइंग द प्रोजेक्ट, अब हम उस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। एंड हेंस, इसलिए वी डू नॉट रिक्वायर द आइटम, इसलिए उस सामग्री की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें उस सामग्री की कोई जरूरत नहीं। दैट वी ऑर्डर फ्रॉम यू, जो हमने आपको ऑर्डर दिया था, उस सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंस द ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज मेड, चूंकि ऑर्डर को स्थगित करने का निवेदन किया जाता है विद इन 10 डेज, चूंकि मैंने 10 दिन के अंदर ऑर्डर कैंसिल करने का निवेदन किया है, 10 डेज ऑफ द ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर को देने के 10 दिन के अंतर्गत मैंने आपसे कैंसिल करने का निवेदन किया है, नो पेमेंट हैज बीन मेड, कोई पेमेंट भुगतान नहीं किया गया, एंड 10 इसलिए देयर आर नो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इसलिए कोई नी बैलेंस भी आपके पास नहीं बचता है, एंड द अकाउंट्स स्टैंड क्लियर, और अकाउंट भी बिल्कुल स्वच्छ है साफ। प्लीज कन्फर्म द कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट, शीघ्र आप हमारे ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। आई शैल मेक एक द कैंसिलेशन पेमेंट आफ्टर कैंसिलेशन इज कन्फर्म, कैंसिलेशन को कन्फर्म हो जाने के बाद, निश्चित होने के बाद कैंसिल का भुगतान मैं कर दूंगा, यानी जितना भुगतान कैंसिल करने का आएगा मैं कर दूंगा। आई हैव एनक्लोज्ड ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर रिसिप्ट, कारा कि हमने ओरिजिनल ऑर्डर के प्राप्ति की रसीद की एक कॉपी संलग्न कर दी है। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर्स ट्रूली, आपका सच्चा, प्रभात परचेज इंचार्ज, यानी आप परचेज इंचार्ज है, आपका नाम प्रभात है। यानी इस तरह से आपने देखा कि एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया गया था, लेकिन किसी कारण बस वो प्रोजेक्ट उनको नहीं करना है, और विद इन 10 डेज 10 दिन के अंतर्गत ही उन्होंने वो ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए उस कंपनी को पत्र लिखा। और पत्र लिखने का तरीका है कि जो पत्र लिख रहा है सबसे पहले उसका अपना एड्रेस हो,
फिर उसके नीचे वो अपना डेट उस तिथि को जिस तिथि को कैंसिलेशन का एप्लीकेशन लिख रहा हुआ डेट लिखा, फिर उस कंपनी के जिसको उसने ऑर्डर दिया मैनेजर, कंपनी का नाम, उसका स्थान, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के विषय वस्तु के अंतर्गत था, वह चीज शॉर्ट में लिखते हैं संक्षेप में जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन आता है सर या मैडम, फिर पत्र की बॉडी यानी जिस ऑर्डर के विषय में आप कैंसिल कराना चाहते हैं वो पूरी बात डिटेल से लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, भुगतान संबंधी बातें लिखेंगे और तब लास्ट में निवेदन करेंगे कि आप हमारे ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने का जो जुर्माना या पेमेंट लगता है मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिख के आप अपना नाम लिखिए, पद लिखिए और हस्ताक्षर कर लीजिए, ठीक, थैंक यू।